दुनिया ने एहसास जगाया है, बहुत सारे लोगों के प्रोफेशंस भी बदलवा दिए हैं। सो मैं पेंट करने की आज सोच रहा हूँ, टाइम किल करूँ, क्योंकि सख्त बोरियत है, बाहर जा नहीं सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है और निज़ाम जो है वो तितर बितर हो गया है, मगर इसको डिफीट करने के लिए कोरोना को घर में बैठना है और बाहर नहीं जाना है, और कोई अच्छा मशगला ढूंढना है, पास टाइम पढ़े, लूडो कम खेले, लूडो फेवरेट पास टाइम हुआ है बहुत सारे पाकिस्तानियों का, हम भी खेलते हैं वैसे बाय द वे, मगर एक कोशिश है और कोशिश इसलिए मुझे ये पसंद है क्योंकि ये जो आप बेंच देख रहे हैं ये भी मैंने पेंट किया हुआ है कोरोना से पहले। तो ये नहीं है कि मैं कोई शो मार रहा हूँ यहाँ पे आके, मैं अच्छा खासा घर का काम कर सकता हूँ, और नंबर बनाने के लिए ये बेस्ट मौका है कि घर में रह के अपने आप को थोड़ा सा करामत और मुफीद साबित करें घर वालों के लिए। बड़े खुश होते हैं जब घर का काम कर रहे हो ना, ये अगर फूल में गोडी कर दें या वो जो तोते हैं उनको बाजरा डाल दें, ये बड़ा एंगेज एक तरह से आपको समझा जाता है। तो खैर चले ठीक है, इनको ये मार्जिन देना चाहिए, मगर अब थोड़ी सी तलखी शुरू हो गई है मेरे और घर वालों के बीच में, क्योंकि यूज़ टू नहीं है इतनी देर मुझे घर में बर्दाश्त करने के हिसाब से, और ना ही मैं भी यूज़ टू हूँ, मगर कोशिश जारी है, लड़ाई कम और इस तरफ ज़्यादा ध्यान। सो मेरा ये फेवरेट कलर है ब्लू कलर, क्योंकि गर्म मौसम रहता है पाकिस्तान में, सो लाइट कलर जो है वो आंखों को भाता है और ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो लो जी शुरू हो गया काम। अच्छा ये जो बॉक्स है ना, ये कम से कम कितना, कोई 50 साल पुराने, 50-60 साल पुराने, सो घर में पड़ा हुआ था, काम कुछ था नहीं, तो सोचा इसकी टेबल बनाई जाए और थोड़ा पास लेके आना और दिखाओ मैं कितना ज़बरदस्त पेंट कर रहा हूँ। इसमें चीज़ें भी आप भर सकते हैं बहुत, इसमें खाने अंदर, और जैसे मैंने कहा कि अभी मौसम लाहौर का इतना ख़राब हुआ नहीं है एक्चुअली, सो आप आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। जस्ट अबाउट मैच पड़ा हुआ है पंखे के बीच में और इंसानों में कि पंखा लगाना है शाम को या नहीं लगाना। हमारे डबल स्टोरी घर है, सो ऊपर के जितने भी लोग हैं वो तो पंखा लगा के सो रहे हैं, नीचे जो है वो पंखे की अभी तक ज़रूरत नहीं महसूस हुई, सो ठंडा घर है थैंकफुली। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आपको नज़्म व ज़ब्त दिखे, और ये जो स्ट्रोक्स हैं ब्रश की वो थोड़ी सी डेलिकेट और एक तरह से कोई सेंस बनाए। कोरोना ने बड़ा गर्क कर दिया वैसे, और इसको बीट करने का तरीका यही है कि डिसिप्लिन मारना है इसको, अपने आप को थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी से बच के और मार के। एक तो हम जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं और गार्ड अपना लोअर कर देते हैं, ओ जी कोई गल नहीं हमने संभाल लिया है, दुनिया जो है जो मर्जी हो जाए यहाँ कुछ कोरोना से ज़्यादा होने वाला नहीं है। ये बड़ा गलत एक तरह से इम्प्रेशन तासुर है और थिंकिंग है, आई थिंक इसको बहुत ही आपको सीरियसली लेना है, और एक स्टेप अवे हैं आप एक्चुअली ज़िंदगी की जंग हारने के हिसाब से, इतना ये नज़दीकी मामला है। तो ईजी लेने का नहीं है, और क्रिकेटिंग टर्म्स में ऐसा ही है कि जैसे नया बॉल आप खेल रहे हैं, और जब आप नया बॉल खेलते हैं तो वो बॉलर को भी नहीं पता चलता है कि वो कितना गेंद स्विंग होगा, सो स्विंग हो ना हो कभी वो इन स्विंग की ट्राई करता है तो आउट स्विंग हो जाता है। तो ये कोरोना भी ऐसा है कि आप जब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैंने बस जो सख्त टाइम है वो गुजार लिया है, अब आसानी है, तो तभी आप आउट हो जाते हैं। सो जैसे बैटिंग में होता है ना, गार्ड लोअर नहीं करना, और हमेशा यही सोचना है समझना है कि बस एक अच्छी बॉल आई, कि एक अच्छी बॉल पड़ी और आप गए, बाकी ऊपर वाला मदद कर रहा है, बहुत दुआएं हो रही हैं, तो वो अनवर मकसूद की मुझे ट्वीट बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा बहुत अजानें दे के देख ली हैं, 10 रुपए की चीज़ 10 रुपए की बेच के भी देख लें पाकिस्तानी, शायद फ़र्क पड़ जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है सब लोगों से कि हाथ हल्का रखें, परचून वाले
और जो आटा फराम करते हैं, चीनी फराम करते हैं, क्योंकि ये एक जो जो इस तरह की ट्रेजेडीज होती हैं और इम्तहान होते हैं, ये तो कौमों को इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करने के लिए सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। सो मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि मैं घर में रहूँ और बाहर ना निकलूँ, क्योंकि मुझसे यही एक्सपेक्ट करते हैं डॉक्टर्स भी और गवर्नमेंट भी। सो आपकी ड्यूटी ये है कि आप चीज़ें जो हैं जो उसका दाम है उतने की बेचें और थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, क्योंकि आपको प्रॉफिट बनाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे प्रोवाइडेड के बेचने वाले और ख़रीदने वाले ज़िंदा रहे। सो कैसा लग रहा है, ज़रा क्लोज़अप दीजिएगा। सांस चढ़ गया, पहले मुझे सांस नहीं चढ़ता था। सो ये थोड़ी सी डेटेड सी लुक है, पता ना चले कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है और उसके साथ बुरा मैच नहीं है। जो बेंच है कोशिश यही करूँगा कि उसके साथ साथ हो जाए। सो वैसे भी एंटीक की चीज़ें हैं, ये फैशनेबल हैं, सब लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ये जो है इनको अंदर ड्राइंग रूम में रखा जाए, क्योंकि इन है। लड़खड़ाना शुरू हो गया हूँ मैं। सो पता नहीं कैसे रिसीव होगी ये वीडियो। कोशिश तो यही है कि आप लोगों को मैं इनक्रेज करूं कि आप भी कुछ ऐसी चीज़ करें, और कुछ भी चीज़ अगर इस तरह की है आपके घर में, उसको रीपेंट करें या पेंट करें और फिर मुझे अपनी वीडियो भिजवाएं ताकि मैं उसको पोस्ट कर सकूं ट्विटर पे, रमी स्पीक्स पे और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। पानी अभी पानी ब्रेक। थैंक यू। है, मैंने गलत रख दिया, ये फ्रंट इसका उस तरफ है, बैक ये है, बट एनीवे अभी मैं इतना भी प्रोफेशनल नहीं हुआ कि मैं सब चीज़ें ठीक कर दूँ पेंट के हिसाब से, मगर ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। जैसे मैं बहुत क्रिटिकल हूँ कमेंट्री में जैसे होता हूँ, तो मुझे तो कोई ख़ास अभी तक पसंद नहीं आया वैसे बात, मगर ये है कि सूदिंग कलर है, कलर पसंद है। बाकी वाइट की इसकी जो पीछे बैकग्राउंड थी उसको पेंट जो किया है ताकि थोड़ा सा वाइट भी आता रहे, इतना भी बिल्कुल ही ब्लू ना हो जाए। अच्छा खासा ये मुश्किल काम है, इस उम्र में धोखा नहीं ज़्यादा जाता। सो मैं ये पेंट करता रहूँगा। आपसे मेरी गुजारिश यही है कि आप भी कोई अच्छा सा मशवरा ढूँढें, अपने आप को बिजी करें, बाहर हरगिज़ ना जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जब आप सामान खरीदने जाएँ और उस शॉप में जहाँ पे उसने 6 फुट का फासला नहीं रखा हुआ या कोई मार्कर नहीं लगाया हुआ, उससे बात जाके करें, क्योंकि हो ये रहा है कि हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारा जो घेरा है ना और हमारा जो हमारी जो स्पेस है वो स्क्वीज हो जा रही है दूसरों की गलतियों से। पहले हफ्ता पहले जो थे वो 1000 थे, अब 3000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केस हो गए। सो हम तो अपना किरदार निभा रहे हैं, मगर दूसरों की जहालत से हमारी जिंदगियों का जो घेरा है वो तंग होता जा रहा है। सो प्लीज़ ये रियलाइज़ करें कि एक दूसरे की मदद करनी है और इसमें शर्माना नहीं है। अगर आप किसी को कह भी रहे हैं कि भाई आपका मास्क कहाँ है, ग्लव्स कहाँ हैं, आप डिस्टेंस क्यों नहीं रखे हुए, क्योंकि ये 3 चीज़ें बचा रही हैं। और अमेरिका में तो आप ये भी कह रहे हैं कि ये इन द एयर भी ये तसव्वुर किया जा रहा है ये वायरस। सो हर एक को मास्क पहनना है क्योंकि हमारी बचत ही इसमें है, नहीं तो सब लगे जाएंगे। चाहे जितना मर्जी बड़ा कोई स्पोर्ट्समैन हो, जितना मर्जी बड़ा कोई ओहदे पे हो, गरीब हो या बड़े घर में हो, ये देखती नहीं है बीमारी कि कहाँ पे जाके इसको डसना है। सो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर हम अपना किरदार निभा रहे हैं तो प्लीज़ आप भी अपना किरदार निभाएं, और अगर आप देखें कि लोग लाइन टो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको बताएं और घर से बाहर मत निकले। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस खुलने की बात हुई, यहाँ पे मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, गाड़ियों की कतारें लग गई थी मॉडल टाउन में, और ऐसा हो गया जैसे हर चीज़ नॉर्मल हो गई है। हर चीज़ नॉर्मल नहीं है, प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल एक्ट करें, अपने आप को बचाएं और हमें भी बचाएं प्लीज़। चलो जी, ये तो होता रहेगा, बस इतनी सी वीडियो है। बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के क्या फेवरेट पास्ट टाइम है आजकल। थैंक यू।